इसराइल पर हमास के हमले ने सऊदी अरब और ईरान के बीच अविश्वास की नई दीवार खड़ी कर दी। सऊदी अरब ने ईरान से कहा कि ईरान की सेना से सहयोग तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके लिए बड़ी शर्त है। ये शर्त ऐसी है जिसे ईरान कभी पूरा नहीं कर सकता। अब सवाल क्या है? दरअसल सवाल यह है कि क्या यह सऊदी अरब का डबल गेम है? गाजा में गिरते गोलों के बीच सऊदी अरब ईरान के बीच डील की पेशकश हो रही है, लेकिन सऊदी अरब ने इस डील के होने से पहले ईरान के सामने रख दी है बड़ी शर्त। शर्त जो ईरान के हथियार जमा करने के इरादे का पर्दाफाश है। शर्त अपने इरादे को अपने वर्चस्व में कमी करने को लेकर है। सऊदी अरब ने ईरान के साथ सैनिक सहयोग बढ़ाने के पहले सीधे सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईरान क्षेत्रीय ताकतों को हथियार सप्लाई करना बंद करे। सऊदी अरब ने अपनी 7 साल पुरानी दुश्मनी को पीछे रखकर इसी साल मार्च में ईरान से दोबारा दोस्ती का नया चैप्टर खोला है, लेकिन उसके पहले ही पेज पर अब सैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए शर्त की दीवार खड़ी हो गई है। सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है? सऊदी अरब ईरान से आखिर चाहता क्या है? ईरान क्यों मानेगा अपने दोस्तों को हथियार सप्लाई नहीं करने की शर्त? क्या सऊदी अरब खेल रहा है डबल गेम? सऊदी अरब ईरान को हथियार सप्लाई करने से क्यों मना कर रहा है? इसकी डिटेल में जाने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि ईरान किन किन देशों और संगठनों को हथियार सप्लाई करता है, और इसके पीछे ईरान की मंशा पैसा कमाना कम अपने वर्चस्व की स्थापना ज्यादा है। यमन के हूथी विद्रोहियों को आता है ईरान से हथियार। लेबनान के हिजबुल्ला भी ईरान का हथियार ही चलाते हैं। गाजा पट्टी के हमास लड़ाकों को ईरान से मिलते हैं हथियार। सीरिया को भी ईरान भेजता है हथियार। ईरान रूस तक को हथियार सप्लाई करता है। रूस इस वक्त जिन कामिकाजे ड्रोनों का धुआंधार इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है, वो ईरान से ही सप्लाई होते हैं। ऐसे ड्रोन हमास के पास भी होने के कयास लगाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि सऊदी अरब से सैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए ईरान हथियार के दम पर हासिल अपने आधिपत्य की बलि क्यों चढ़ाएगा? इस सवाल का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। इस वक्त सऊदी अरब की इस शर्त के पीछे और पूरे ईरान सऊदी अरब के बीच रिश्तों की नई और बेहद दिलचस्प कहानी को समझना बहुत जरूरी है। सऊदी अरब इस समय कूटनीति की पिच पर बढ़िया खेल रहा है। हमास के इजराइल पर हमले ने सऊदी अरब को ईरान पर नैतिक नकेल लगाने का मौका दे दिया है। कैसे, इसे विस्तार में समझिए। सऊदी अरब अमेरिका का खाड़ी में सबसे बड़ा सहयोगी है, लेकिन सऊदी अरब अब चाहता है कि सैनिक सहयोग में अमेरिका पर निर्भरता कम की जाए, तो इसके लिए सऊदी अब ईरान से हाथ मिला रहा है। अब देखिए, ईरान अमेरिका का दुश्मन नंबर एक है। ईरान से दोस्ती भी सऊदी अरब की चीन ने करवाई। चीन भी अमेरिका के दुश्मनी वाले लिस्ट में टॉप पर है। अभी और देखिए, ईरान नाटो देशों की चेतावनी के बावजूद रूस को हथियार सप्लाई करता है। मतलब ये कि सऊदी अरब एक तरफ ईरान से दोस्ती गाढ़ी कर रूस और चीन के करीब देखना चाहता है, दूसरी ओर ईरान को अमेरिका की ओर से यह समझा रहा है कि वो हमास को हथियार सप्लाई करना बंद करे। मतलब ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ वही पुराना रिश्ता अब भी कायम रखा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों खाड़ी देश अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ते रहे हैं। यहां तक कि मार्च 2023 में दोनों देशों के बीच जो दोस्ती स्थापित हुई है, वो भी सुविधाओं वाली शादी की तरह है। आपको आगे दिखाएंगे कि ईरान हथियारों की दौड़ में इस वक्त कहां से कहां पहुंच गया है, और ईरान क्यों नहीं छोड़ेगा हथियार सप्लाई करना। लेकिन अभी सऊदी अरब की ईरान से दोस्ती की असली मंशा। अल अक्सा मस्जिद में जब इजराइल की सेना घुसी, तो इसका विरोध करने में सऊदी अरब आगे रहा।
लेकिन इस बीच सऊदी अरब इजराइल की दोस्ती का नया मंच सजाने की तैयारी करता रहा। यह डील अमेरिका की मध्यस्थता में होनी थी। ईरान से दोस्ती के बावजूद सऊदी अरब इजराइल से दोस्ती करने जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब को गाजा से ज्यादा चिंता अपनी है, इजराइल उसके लिए फायदेमंद है। तो एक तरफ तो सऊदी अरब इजराइल को गले लगा रहा था, दूसरी ओर ईरान से गलबहियां कर रहा था। हमास के हमले ने सऊदी अरब के इस दो तरफा चरित्र को बेनकाब कर दिया। जिस अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना के घुसने को हमास ने पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ हमला बताया, बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला कर दिया। सऊदी अरब ने उसमें हमास का साथ देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि ईरान पर भी हमास को कंट्रोल करने का दबाव डाल रहा है। सऊदी अरब अपनी सेटिंग में बिजी है और ईरान अपनी। कई पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट आई कि हमास का हमला ईरान के ऑर्डर पर हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर सऊदी अरब इजराइल के बीच डील हो जाती और ऐसा होता तो ईरान की सारी कूटनीति और क्षेत्रीय शहंशाही स्थापित करने की ख्वाहिश मिट्टी में मिल जाती। यहां बिल्कुल संक्षेप में समझना जरूरी है कि सऊदी अरब ईरान के बीच की दोस्ती ईरान पर कैसे भारी पड़ती। इजराइल सऊदी अरब डील होती तो ईरान क्यों होता परेशान? पहली वजह, ईरान के तीन मुख्य दुश्मनों इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच बड़ी डील होने की संभावना पैदा होती। दूसरी वजह, सऊदी अरब इजराइल की डील से खाड़ी में शक्ति संतुलन सऊदी अरब के पक्ष में झुकता, क्योंकि डील की मध्यस्थता अमेरिका कर रहा है। तीसरी वजह, खाड़ी में ईरान की बढ़ती ताकत पर तत्काल लगाम लगाने की संभावना पैदा होती। तो ईरान ने सऊदी अरब और इजराइल में डील होने से पहले हमास के हमले वाली चाल चल दी। लेकिन सवाल उठता है कि शाम अलग सुबह अलग राय जाहिर करने वाले सऊदी अरब और ईरान के बीच की दोस्ती क्या कभी पक्की भी होगी, जिसमें भरोसे की ईंट होगी? इतिहास इस मिलन के खिलाफ खड़ा है। बहुत कम शब्दों में समझिए सऊदी अरब ईरान की दुश्मनी की 7 साल पुरानी खूनी कहानी कब, कैसे और क्यों लिखी गई। सऊदी अरब और ईरान के बीच पिछले कई दशकों से क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए संघर्ष जारी है, जो धार्मिक विभाजन के चलते गंभीर हुआ है। ये दोनों ही मुल्क इस्लाम की अलग अलग शाखाओं को मानते हैं। ईरान एक शिया बहुसंख्यक देश है, जबकि सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है। सुन्नी और शिया कानून, धर्मशास्त्र और संगठन जैसे मामलों में अपने अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। इन दोनों समुदायों के नेता प्रभाव के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत रहे हैं। सीरिया से लेकर लेबनान और इराक से लेकर पाकिस्तान तक कई क्षेत्रीय संघर्षों ने इस विभाजन को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है। कहीं कहीं इन संघर्षों ने पूरे पूरे समुदाय को ही तोड़ दिया। ईरान यमन के हूथी को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो शिया है। लेबनान के हिजबुल्ला को भी इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो शिया है। इराक में भी सपोर्ट पहुंचाता है क्योंकि वहां भी शिया मुसलमानों की अच्छी तादाद है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ईरान हमास को भी सपोर्ट करता है, जो सुन्नी है। लेकिन यहां मामला इजराइल के खिलाफ है, तो ईरान तो हर उसके साथ है जो इजराइल को अपना दुश्मन बनाते हैं। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब ईरान के हथियार संपन्न देश या संगठन सुन्नी बहुल सऊदी अरब के दुश्मन हो जाते हैं। इसीलिए तो सऊदी अरब नया समीकरण बनाने की कोशिश में है। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि यहां भी ईरान सबसे बड़ा रोड़ा है। चीन और रूस से सऊदी अरब का डायरेक्ट मिलन हो ही नहीं सकता, बीच में ईरान आएगा ही। और फिलहाल सऊदी अरब के पास इसका कोई हल नहीं है, लिहाजा सऊदी अरब का डबल गेम जारी है।